राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, इतिहास और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तिरंगा सेना का करेंगे गठन। हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, इतिहास और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तिरंगा सेना का गठन किया जाएगा। श्री मधुर शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तिरंगा सेना राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए इसके रखरखाव से संबंधित ध्वज नियमों और प्रोटोकॉल की समुचित जानकारी देने के लिए भी तिरंगा सेना कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश प्रेम की भावना और देशवासियों की आकांक्षाओं का पवित्र प्रतीक है। तिरंगा सेना एक खुशहाल और सशक्त भारत के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी कार्य करेगी। श्री मधुर ने देशवासियों का आह्वान कि वे इस वर्ष 22 जुलाई का दिन भारतीय ध्वज दिवस के रूप में मनाएं और तिरंगा मेरी शान मिशन को अपना समर्थन देकर राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित कराने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव भी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन यह अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे देश में गौरव के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में अभी तक केंद्र में सत्तारूढ़ रही सरकारों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अपने देश भारत में लगभग 68 दिवस विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय विशेष दिवस के रूप में घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर अनेक देश और विशेष रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली तथा विकसित देशों में भी उनके राष्ट्र ध्वज दिवस घोषित है, जिन्हें वे प्रतिवर्ष राष्ट्र पर्व के रूप में मनाते हैं। साथियों, जय हिंद, जय 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 तिरंगा, जय जय तिरंगा। आप सभी साथियों का चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, पेट्रियोटिक मिशन के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, उसके लिए अपना टाइम निकाला जा रहा है, देशभक्ति के इस मिशन के लिए, तिरंगा निशान के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी, सभी का आपका बहुत धन्यवाद भी। यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय एक देशभक्ति के विषय में उस समय लगाया, योगदान दिया और आपके योगदान से ही जो है जन जन तक देशभक्ति की भावना पहले भी पहुंचती रही है। स्वाधीनता संग्राम का समय चल रहा हो तब भी और अभी भी पहुंचेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस अवसर पर सब आप सभी का स्वागत और ईश्वर हमें सबको ताकत दे, ये जो देशभक्ति का मिशन है उसको सही अर्थों में हम लोग पूरा कर सके और अपने देश को मजबूत, महान और देशवासियों का जीवन खुशहाल बना सके। जो भी तमन्ना हमारे मैसेजेस में एक छोटा सा एक जो मेरे साथ हुआ है हादसा, मैं बोल सकता हूँ उसको, क्योंकि मैं बहुत मायूस और जो हम लोग एक स्पोर्ट्समैन है, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कोच हूँ और जब हम लोग अपने देश के लिए बाहर खेलने के लिए जाते हैं फॉरन में, विदेशों में, तो जब हमारा मेडल आता है तो हमारे कंधे पे तिरंगा रखा जाता है जो हमारे अधिकारी होते हैं। हमारी फीलिंग होती है, कभी कभी हमें आंसू भी आ जाते हैं, हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं। वही चीज़ जो एक बार मेरे साथ वाक्य हुआ था, हम लोग गेम के बाद में सभी कंट्री के कुछ लोग मिलके खेलते हैं कोई भी गेम्स, जैसे हम अपने देश का कबड्डी गेम खिलाते हैं उनको, वो अपने कंट्री का गेम खिलाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था उसी गेम के अंदर। मैंने पूछा भी ये क्या है, केक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग, तब पता लगा कि ये अपना फ्लैग डे मना रहे हैं। तो मुझे पता नहीं क्योंकि 84-85 कंट्रीज थी कि किस कंट्री का ये हो रहा था, लेकिन मुझे बड़ा मुझसे पूछा गया एक प्रिंस ने कि भाई आपका फ्लैग डे कब है, तो मैं ये बता नहीं पाया कि हमारा फ्लैग डे, क्योंकि मुझे ना ही तो डेट पता थी ना ही ये पता था कि हमारा देश में फ्लैग डे नहीं मना जाता, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स मैन है, हमारा धर्म भी हमारा स्पोर्ट्स ही होता है। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर जो मैं बता नहीं पाया, मैं उस टाइम मेरे क्या था कि मेरे खुद आंसू आ रहे थे और मैं उस गेम को छोड़ के बाहर निकल गया। ये मुद्दा है तिरंगे के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का, जागरूकता, उसके मिशन, उसका जो आदर्श है जो तिरंगे में निहित है, उनके बारे में लोगों को जागरूकता देने का, झंडे के को कैसे सम्मान से रखें, उसको फहराएं, उसके बारे में जो कानून है उनके बारे में जानकारी देने का, और सारे जो देश में विभिन्नताएँ हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक छतरी के नीचे लोगों को आने के लिए मोटिवेट करने के लिए
राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा करवाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए पब्लिक से अपील है कि जो तिरंगा मेरी शान का जो हमारा मिशन है, ये राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से हम सभी देशवासियों का जीवन खुशहाल हो, हर देशवासी को की समस्याएं ना हो, उसको जो है कर्म करके अपना योगदान दे सके और देश के निर्माण में अपना अहम योगदान दे सके। इसके लिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक तिरंगा सेना गठन करके लोगों की, जो लोग भी पेट्रियॉट्स हैं, जो भी देशभक्त की भावना ज़्यादा रखते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं उसमें, क्योंकि देशभक्ति की भावना तो सभी में है, लेकिन जो लोग ज़्यादा एक्टिवली इसको करना चाहते हैं वो लोग इससे जुड़ें, इसकी मैं अपील करने के लिए सभी देशवासियों से अपील करता हूँ। और अपना जो हमने एक sadarindia.com एक वेबसाइट है, उस पर एक लिंक है तिरंगा सेना का, उसको डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं और उसमें जुड़ करके अपना योगदान दे सकते हैं, ताकि उनको हमेशा फख्र हो कि देश के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।